अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल वाला के जापान। आज मैं आया हूँ हमामात स्टेशन, आज आपको दिखाऊंगा हमामात स्टेशन। यह पार्किंग से हमामात स्टेशन जाते हुए, ये पार्किंग जो है हमामात स्टेशन के बेसमेंट में है। ये देखिए ऊपर जा रहे हैं अभी। अभी हम स्टेशन में एंटर हो गए हैं और वहाँ से फास्ट ट्रेन की लाइन है, वहाँ से हम एंटर होंगे फास्ट ट्रेन के लिए। यहाँ से हम टिकट खरीदेंगे राइट साइड पे, यहाँ से टिकट खरीदेंगे। फास्ट ट्रेन को इधर कहते हैं शिनकानसेन, दूसरे मुल्कों में इसको बुलेट ट्रेन बोलते हैं। कोरोना की वजह से इधर रश बहुत कम होता है, दूसरे दिनों में इधर बहुत ज़्यादा रश होता था क्योंकि लोग बाहर निकलते थे, घूमते थे, काम पे जाते थे। अभी कोरोना की वजह से रश बहुत कम है। अभी स्टेशन के साउथ गेट से हम जा रहे हैं नॉर्थ गेट, वो भी बाहर निकल के आपको बताऊंगा। ये चेक करें, इतना बड़ा स्टेशन और बहुत ही कम रश है इधर। स्टेशन में हर किस्म की शॉप्स होती हैं, यहाँ कपड़ों की शॉप्स भी है, सुपरमार्केट भी है, फास्ट फूड भी है, रेस्टोरेंट भी हैं और बहुत कुछ है जो आपको चाहिए इधर से मिल जाता है। ये दूसरी साइड से मैं स्टेशन से बाहर निकल आया, बाहर बहुत बारिश हो रही है। पिछले एक हफ्ते से जापान में बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं कब ख़त्म होगी बारिश। अभी कल भी बता रही है बारिश, परसों भी बता रही है। अब वो सामने जो है एक्ट सिटी, अभी जो सामने नज़र आएगा जो बादलों में छुपा हुआ है, ये एक्ट सिटी है। और इसके अलावा ये एंटस बिल्डिंग है, यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं। स्टेशन के इर्द गिर्द बहुत शॉपिंग सेंटर हैं, किसी भी शॉपिंग सेंटर में आप जा सकते हैं। ये नीचे राइट साइड पे बेसमेंट है जहाँ से आप बस पे बैठ सकते हैं, और पार्किंग भी नीचे ही है। ये चेक करें कितना खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है हमामास का। ये बेसिकली शिजुका कैन में आता है हमामास, बहुत बड़ा शहर है। यहाँ फास्ट ट्रेन भी रुकती है, बुलेट ट्रेन जिसको हम शिनकानसेन बोलते हैं जापान में। और आप ये रश चेक करें, बहुत कम ही रश है। जब मैं कोरोना से पहले जाता था स्टेशन में तो बहुत ही ज़्यादा रश होता था, बहुत ही ज़्यादा। अभी बहुत ही कम रश है। यह स्टेशन के साथ ही भी कैमरा है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी चीज़ दे सकते हैं आप, टीवी, मोबाइल, डीवीडी, प्रिंटर, कैमरा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी चाहे आप इधर से ख़रीद सकते हैं। अभी आपको दिखाता हूँ इधर। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ें मिलेंगी। ये अभी हाली पड़ा हुआ, पता नहीं क्यों बुक्स पड़ी हैं इसमें। ये डाटा केबल लगी हैं, ये बैग लगे हुए हैं कंप्यूटर के। ये प्रिंटर मशीन है,
सारे प्रिंट हैं। एक चावल सुखाने वाली मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक हर चीज मिल जाएगी इधर से। कपड़े सीने वाली मशीन है। ये कपड़े सुखा रही है। यह वॉशिंग मशीन जो थी वो 3.5 लाख पाकिस्तानी रुपए की थी। 3.5 लाख इतनी महंगी वॉशिंग मशीन है। ये कपड़े धोती भी है और कपड़े सुखाती भी है। ये आ गए जी ऐसी इनकी प्राइस देख रहे हैं। तकरीबन 4.5 लाख का ये एसी है। ये छोटे छोटे पंखे हैं। ये टॉयलेट सीट के कवर है। ये ऑटोमेटिक है। ये चूल्हे हैं। ये बिजली वाला चूल्हा है। ये बिजली से चलता है और ये गैस से चलता है। ये सारे फोन कवर है।
में देखें चोरी कितने का मिल रहा है, प्राइस चेक करें आप। ये पियानो तान साफ करने वाला ब्रश है, ये भी बिजली वाला है। ये साइकिल के रेट चेक करें, 87,780 डेढ़ लाख रुपये की ये साइकिल है। ये ट्राईपॉड है कैमरे का, ब्रांड से शराब भी मिलती है इधर। ये सारी शराब है। जय नाथरी, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।